हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। माय नेम इज़ शेफाली एंड अभी मैं उसको लेके जा रही हूँ बाहर आउटिंग के लिए। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने बोला था कि मैं उसको वीकेंड पे लेके जाऊंगी, तो अभी हम उसको लेके जा रहे हैं एमजी रोड की तरफ। वहाँ पे मॉल है और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है ग्रॉसरी की, तो हम लोग जा रहे हैं स्पा। तो मॉल में ये ठीक भी रहेगा क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो मॉल हमें बेटर लगा। और ये अभी कर रहा है मस्ती क्योंकि अभी तक तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये इसलिए ये अभी अच्छा फील कर रहा है। तो ये रोड आपने कई बार मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा क्योंकि हम एमजी इसी रोड से जाते हैं, तो ये लिक्विड शॉप भी आपने कई बार देखी होगी। तो मुझे काफ़ी टाइम के बाद गुड़गांव घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि 3 महीने के बाद आई हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गुड़गांव एकदम चेंज हो गया है। वैसे गुड़गांव रातों रात चेंज हो जाता है, पर गुड़गांव की ट्रैफिक कभी भी नहीं चेंज होती, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और ये देखो, ये एमजी रोड का हाल है वीकेंड पे सैटरडे के दिन। वैसे मोस्टली बहुत बहुत ज़्यादा वैसे क्राउड रहता है इस जगह पर, तो बहुत ही क्राउड रहता है। और हम लोग पहुंच गए हैं मॉल के अंदर, और यहाँ मैं कर रही हूँ स्पार में ग्रॉसरी शॉपिंग। मैं अब शॉपिंग ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि ये मेरी गोदी में रहता है हमेशा, तो रिकन को मैं बता देती हूँ ये ले लो ये ले लो ये ले लो, तो वो बेचारे कर रहे हैं शॉपिंग और मैं बस इशारे दे रही हूँ ये उठा लो ये उठा लो। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं, और ये इस तरह से मैंने इसको उठाया है क्योंकि ये अब हो रहा है परेशान क्राउड देख के। तो अभी रिकन करवाने लगे बिलिंग क्योंकि ये करने लगा है बहुत ज़्यादा परेशान, तो हमने फटाफट जो भी मेन सामान था वो हमने ले लिया। और अब हमने सोचा कि यहाँ से चलते हैं क्योंकि ये अब रो रहा है बहुत ज़्यादा, इससे पहले ये और परेशान करे तो बेटर है यहाँ से अब हम चलते हैं। और आप देख ही रहे होंगे, आवाज़ सुन रहे होंगे किस तरह से परेशान कर रहे हैं, तो मैं जा पास यहाँ पे मशहूर मुरादाबादी चिकन बिरयानी ले रहे हैं। ये बहुत टेस्टी बनाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है, जितनी बार खाओ उतनी बार दिल जल चाहता रहता है। प्लस यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट भी खोल चुका है, शानदार रेस्टोरेंट। प्लस यहाँ पे मोमोज वाला भी है एंड ये गोलगप्पे वाला भी है, बट कभी मुझे टाइम या फुर्सत मिलेगी तब मैं यहाँ पे सारे स्ट्रीट फूड खाऊंगी। ये बिल्कुल हमारे साथ मतलब हमारी सोसाइटी के पास है, यहाँ पे जस्ट 500 मीटर पे हमारी सोसाइटी है। और वहाँ पे जैसे हमें बहुत परेशान किया क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था और क्राउड में ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, तो हमने फटाफट जितनी शॉपिंग हुई उतना कर लिया और जितना ब्लॉग मुझसे बना वो मैंने बना ली क्योंकि मैंने उसको उठाया हुआ था। कैमरा पकड़ना और शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता जब बच्चा साथ में हो, और क्योंकि रिकन तो जो मैं बता रही थी रिकन खरीद रहे थे, ये मेरे बाहर जब भी जाते थे ये मेरी गोदी में